हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ एजुकेशनी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 जनवरी और मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम भी ज्यादा हो गया है, मतलब 7 बजने वाला है, 6:45 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो 4-5 दिन से ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी ना, जिसकी वजह से मेरा हालत एकदम से खराब था और आज भी मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। आज मैं बाल धो के नहाई हूँ तो मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं है। मैं सो गई हूँ आज दोपहर के टाइम में और 5 बजे उठी हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। और अभी शनि को नीचे जाना है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, आधा घंटा खिलाऊंगी। वैसे भी हस्बैंड अभी आए नहीं है, आज है सैटरडे तो पता नहीं आज क्या बनाएंगे खाने में। रोज खाने का टेंशन रहता है, हम लेडीज लोग को सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या बनाए खाने के लिए। आज तो कुछ नॉनवेज ही बनेगा। अब मेरे हस्बैंड कब आएंगे ऑफिस से तो तब भी बनेगा, क्योंकि मैं मार्केट तो गई नहीं हूँ कि मैं लेकर आऊँ, तो वही लेकर आएंगे अब चाहे कितना भी लेट हो। वैसे भी कल संडे है तो कल छुट्टी है तो टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। और मैं दिन में सो गई थी ना तो जल्दी नींद भी नहीं आने वाला है। चलिए अभी मैं फिलहाल तो दिशानी को लेकर जाती हूँ नीचे, थोड़ा सा खिलाऊंगी इसे। साइकिल को भी ये सो गई थी ना और मैं भी सो गई थी इसके साथ, नहीं तो मैं पहले ही चली जाती। और अभी अभी मैं वीडियो अपलोड की हूँ तो टाइम लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। जल्दी चलो चलो, क्यों नहीं चलना है रे? चलो आ जाओ इधर से आओ। क्यों रखूं मोबाइल? चलो
वीडियो को एंड करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट शूट ड्रीम बोल देती है। गुड मॉर्निंग मम्मी, आप मच्छर काट लिया? तो गुड मॉर्निंग बोलो। मुझे गुड मॉर्निंग बोल रही, सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी हम लोग उठे हैं, अभी नहीं हो गया आधा घंटा उठे हुए, और अभी पानी भर रहे हैं क्योंकि 8 बज गया है। अरे सुन, 8 बज गया ना, 8 बज। जिसानी अभी तक सोई हुई थी और फैन बंद कर दिए थे तो इसको मच्छर काट लिया है। तो अभी जा रहे हैं, घर का काम खत्म करते हैं। मुझे अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बिस्तर क्लीन करना है, थोड़े बहुत कपड़े मैं सूखने के लिए भी डाली हूँ धोकर, देखिए, और थोड़े बहुत कपड़े मैं उतार के यहाँ पे रखी हूँ, तो इसे मैं फोल्ड करके रखूंगी, है ना? सुबह में लेके जाओ। और एक बहुत ही अच्छा फूल खिला हुआ है। चलो 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 बैठो। और ये पूरा देखिए सोफा का क्या हालत की है, दिशानी रात को ही खेल रही थी और उसी तरह पड़ा हुआ है। अभी चलते हैं, सारे काम खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। अभी जितना भी कपड़ा था फोल्ड करने के लिए, सारे कपड़े को मैं फोल्ड कर ली हूँ और उसे मैं हमेशा जगह पे ही रखती हूँ। तो इस रैक में मैं सारे कपड़े रखती हूँ। और कुछ फ्रेंड लोग कमेंट किए हुए थे कि आप अपने रैक में कैसे कपड़े फोल्ड करके रखते हो दिखाने के लिए, तो मैं कितना बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन जो नए नए फ्रेंड हमसे जुड़ते हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलता। तो मैं सोची चलो आज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कपड़े कैसे फोल्ड करके रखती हूँ। और काफ़ी सारे फ्रेंड लोग कमेंट करते हैं कि आप अलमीरा ले लीजिए, तो जिस चीज़ का जब टाइम आता है ना, वो अपने आप खरीदा जाता है। और सोचने के लिए तो आदमी बहुत कुछ सोचता है कि ये भी खरीदेंगे वो भी खरीदेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, तो बहुत जल्द हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं खरीद नहीं सकती हूँ, उसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये जो मेरा रैक है आप देख सकते हो, मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। नीचे वाले जो खंड है उसमें मैं डब्बे रखती हूँ, और एक ये बीच वाला जो है इसमें सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और ये वाले खंड में मतलब मेरा कपड़ा है और रिशानी का कपड़ा है, तो हम दोनों का कपड़ा है। और यहाँ पे जैसे कि बेडशीट वगैरह रहता है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो मैं रख देती हूँ। और अभी मुझे बेडशीट भी चेंज करना है।
मेरा चाय भी पीना हो गया और मैं बेडशीट चेंज भी नहीं की थी क्योंकि मेरा चाय बन गया था, तो मैं चली गई चाय पीने क्योंकि चाय ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है पीने में। और आज वैसे भी संडे है तो आराम आराम से काम करेंगे। और आज है संडे तो संडे के दिन मैं हमेशा डस्टिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से करती हूँ क्योंकि आज के दिन ना आराम आराम से सारे काम होते हैं। और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं था क्योंकि रात का जो फिश करी है वही हम लोग खाएंगे और उसी को मैं गर्म करके खाऊंगी। तो सोफ़ा का भी मैं कवर हटा दी हूँ क्योंकि वो भी गंदा हो गया था। वैसे संडे के दिन ही मैं अपने घर को पूरा डीप क्लीन करती हूँ क्योंकि रेगुलर इतना टाइम नहीं रहता है और ख़ासकर मॉर्निंग के टाइम में, तो इसलिए मतलब ऊपरी ऊपरी सफाई होती है और रेगुलर अगर देखा जाए तो झाड़ू पोछा करना ही रहता है और बहुत सारे घर में काम रहते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और संडे के दिन आराम आराम से करते हैं क्योंकि उस दिन हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं। तो माय गॉड गाइस, ये लॉकडाउन का निशानी है, देख लीजिए। ये दूध अभी तक हम लोग खोले नहीं है। इतना बड़ा पैकेट मंगाए थे लेकिन ये दूध उसी तरह पड़ा हुआ है। इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे? इसका तो चाय भी अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है क्या? पता नहीं, हम मक्खन में कभी पिए होंगे लेकिन इसको यूज करते हैं किसी न किसी तरीके से। इसको मुझे भी कॉफी अच्छा लगता है। इतना सारा बिस्किट है, जिसानी बिल्कुल भी नहीं खाती है, बिल्कुल नहीं खाती है, सिर्फ चॉकलेट बिस्किट खाएगी। और ये सब बिस्किट कौन खाएगा? ये पूरा खा जाएंगे। हाँ पूरा खा जाएंगे। और देखिए कितने सारे मैदा के पैकेट है, एक एक पैकेट उसमें डाल दूंगा उसको। ओह माय गॉड, ये वाला मैदा नहीं, नहीं ये मैदा खराब हो गया बहुत दिन में। ये वाला मैदा ठीक है, मतलब उसमें कीड़ा हो गया। गुड़ गुड़ अभी काम आएगा। You're chilling in the rain.
Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. अभी हम लोग आ गए हैं हाईवे पे और इधर हस्बैंड आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं उनको बातों में उलझा कर यहाँ तक लेकर आई हूँ, क्योंकि मतलब अंधेरा हो गया था और ज़्यादा टाइम हो गया था इसीलिए। और हम लोग घर से ही लेट निकले हैं और 6 बजे तो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और 6 बज के पार हो गया था। इधर मैं लगभग 1 साल बाद आ रही हूँ, क्योंकि कितना टाइम से तो लॉकडाउन ही चल रहा था और घर के पीछे पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। बाद आए हैं और यहाँ पे ना बहुत सुंदर गार्डन बन गया है। देखिए ये रोड है, यहाँ पे मेन हाईवे है और एक्सरसाइज करने के लिए भी बनाया हुआ है। बहुत अंधेरा हो गया है, 6:30 हो गया है, इसलिए नहीं तो दिन में आते तो बहुत अच्छा से दिखता। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और कभी दिन में आएंगे, मतलब थोड़ा जल्दी आएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, अंधेरा में क्या देखेंगे, अंधेरा है, अंधेरा हो गया है कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइस देखिए इधर बदलापुर गांव है। मैं अंधेरे में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ज्यादा अच्छे से देख भी नहीं रहे। वैसे बदलापुर गांव ही है, लेकिन पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और भी आगे डेवलप करेगा। वैसे हम लोग बदलापुर में 3 साल पहले घर खरीदे थे और 3 साल पहले ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और उस टाइम जब हम लोग आए थे इधर तो ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब इतने सारे बिल्डिंग भी नहीं थे और धीरे धीरे बहुत सारे बिल्डिंग भी बन गए और मार्केट भी बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे और भी आगे जाएगा। और बदलापुर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इधर देखते हैं ना तो पूरा गाँव वाला फीलिंग आता है। और सच में देखेंगे तो आपको एकदम मतलब पूरा मेन मुंबई वाला तो फील नहीं आएगा, लेकिन गांव वाला फील ज़रूर आता है, अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड के टी शर्ट पे देखिए ये कैसे आंखें गुरेर गुरेर के देख रहा है। सो गाइस हम लोग घूम कर आ गए, मतलब थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग लेट ही निकले हैं इसीलिए ज़्यादा घूम नहीं पाए हैं, नहीं तो और आगे जाते ना तो बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें दिखता। तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो जल्दी जाएंगे। और हम लोगों को आए हुए आधा घंटा हो गया, मैं चाय बनाई हूँ यहाँ पे ब्लैक टी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीने, क्योंकि मिल्क वाला टी पीने का मन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ब्लैक टी बनाया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीने, पूरा से थक गए हैं, इतना दूर मतलब गए हैं ना, पूरा थक गए हैं। दृशानी थकी है ना, दृशानी को तो गोद चाहिए बस। क्यों मैं ये मैं
क्या दिखा दो? ये मैं भी तो चाय दिखा दो। हाँ तुम्हारा भी चाय दिखा दो। तो रिशानी का ये चाय है, इसको ग्लास में चाहिए था। और ये ब्लैक टी पीती है और हम लोग भी दे देते हैं पीने के लिए, लोग पीते रहो। तो चलिए चाय पीकर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, अभी मैं लिप कलर हटा रही थी। सो गाइस, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 10 बज गया है और अभी मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, डिनर भी हो गया है। डिनर करने के बाद पूरा काम मेरे किचन का खत्म हो गया है, बर्तन धुल गया है और पूरा किचन प्लेटफॉर्म भी साफ हो गया है, गैस भी साफ हो गया, अभी पानी गर्म कर रही हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। आज मैं जल्दी सोऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है और कल जल्दी उठना है, हस्बैंड को जल्दी जाना है ऑफिस। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। देखिए इस लड़की को कैसे चढ़ जाती है ऊपर। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, दिन तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।